अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। बाबू मोसाय, मैंने पूरा टॉयलेट अच्छे से साफ कर दिया। ये टॉयलेट तो सिर्फ 99.99% कीटाणु मारता है, पर मैं 100% कीटाणु मारता हुआ। क्या बात है बेटा, एक दिन तू जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। अरे रोशन चाचा, मेरा मतलब है कि आदम चाचा, मैं भी आपका नाम रोशन करूंगा। हाँ रोशन बाद में कर लेना, पहले तू ये वेल्डिंग का काम खत्म कर ले। चाचा, इन सुअरों को हमने सुबह से 10 बार नहलाया है, फिर भी ये बिगड़ के वापस आ जाते हैं कीचड़ में। अरे गधो, तुम इन्हें कीचड़ में ही नहला रहे हो तो ये बिगड़ेगे ही ना। चाचा, वो तो हमने सोचा ही नहीं, वैसे हम भी कीचड़ में ही नहाते हैं ना, तो आदत सी हो गई है। काम करना है नहीं और बहाने ढूंढते रहते हैं। चाचा ये देख लो, मैंने अकेले ने 25 सुअर नहला दिए। अरे वाह रेड क्रिमिनल, बहुत अच्छा काम किया तूने। ये देखो नुबड़ो, कुछ सीखो रेड क्रिमिनल से। चाचा, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, तो मैं सड़ू, मुझे दुनिया को बचाने जाना है। हाँ तू तो आयरन मैन है ना, जो दुनिया बचाने जाएगा। और हाँ, मुझे भी शॉपिंग करने जाना है। चलो आज इन दोनों को बकरा बनाती हूँ। भैया सेब कितने के दिए? बंजी 50 रुपए का 150 ग्राम। अरे इतना तो नहीं परवरता, मैं तो आलोक के ठेले से ले लूंगी। अरे ताजे ताजे आम ले लो, आम 20 रुपए किलो, संतरे 30 रुपए किलो। बोलो बहन जी, आपको क्या चाहिए? अरे भैया सेब कितने के दिए? अरे बहन जी सेब 50 रुपए के 150 ग्राम। हट नुबड़े, कोबरा तो 30 रुपए के 150 ग्राम दे रहा है, मैं तो वहीं से लूंगी। अरे बहन जी रुक जाओ, आपके लिए डिस्काउंट कर देता हूँ, चलो 30 रुपए के 1 किलो ले जाओ। अरे ससुरा कमाल आदमी है बे, हमका तो 1 किलो के 1 लाख बोल रहा था और सकुरी को 30 रुपए, ये कुछ मैच ना हुआ। अरे ये तो इज्जत पे बात आ गई रे बाबा। सकुरी बहन जी इधर से ले जाओ 20 रुपए का 2 किलो। अबे ये इतने सस्ते में फल क्यों दे रहा है? औरत का चक्कर बबलू भैया, औरत का चक्कर। अच्छा बेटे, हमारे सामने स्मार्ट बन रिया से, चलो बहन जी 10 रुपए के 100 किलो ले जाओ। अरे वाह भैया, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे दुनिया को कुछ सीखना चाहिए। अरे बहन जी आप भी क्या याद रखोगे, 10 रुपए में पूरा ठेला ले जाओ। अरे नालायक कुबरे, मेरे गिराग तोड़ रहा से, चलो बहन जी 1 रुपए में पूरा ठेला ले जाओ। ठीक है भैया, पर इतना ज्यादा केस में कैरी नहीं करती, अभी मेरा बाबू आके आपको चेक दे जाएगा। आलोक ये ले तेरा 1 रुपए का चेक, और बाबू चलो मैं फल लेके घर पे जा रहा हूँ, आप अपनी शॉपिंग पूरी करके आना। हाँ बाबू, मैं 1-2 हफ्ते में शॉपिंग खत्म करके घर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बाबू, अपना ध्यान रखना और टाइम से थाना था लेना, मैं चलता हूँ। चलो अब अगले नाके पे ये ठेला डाल के मुझे फ्रूट बेचने हैं 500 रुपए किलो। चल सकुरी दुआओं में याद रखना। अबे हट नुबड़े, ओ काटने रे। ओए बहन जी गरीना के वास्ते कुछ डायमंड दे दे, तेरा पढ़ा करेगी गरीना दीदी। अरे बेचारा कब से बैठा है इधर, इसे कोई डायमंड ही नहीं दे रहा है। ओए हाँ बहन जी, सुबह से टॉप अप नहीं किया है, सब लोग मुझे निकल नुबड़े कह के किक मार देते हैं, और जितने भी डायमंड थे वो तो मेरे बाबू ने वेस्ट कर दिए। अरे इसकी तो कितनी सैड स्टोरी है, ये सुनकर जरूर नेहा दीदी 1 करोड़ दे देती। कोई तो इस नुबड़े की मदद करो। अरे काहे चिंता करती हो, हमारा काम ही ई है नूब टू प्रो बनाना। ई लो बुड़बक, इस ब्रीफ केस में 1 करोड़ डायमंड है, जाओ एस करो। और थैंक यू स्काइलर भाई साहब, मेरी दुआ है आपको कि आपको गरीना दीदी रेयर आइटम 1 स्पिन में दे दिया करे। अरे सकुरी तो 1 नंबर की नुबड़ी है, स्कूटी चलाना आता नहीं और निकल जाती है। ओए नुबड़ी कही कि अंधी है क्या, दिखता नहीं है, मेरी 80 लाख की मर्सिडीज पे स्कूटी ठोक के चली गई। अबे नुबड़े तो अपनी गाड़ी घर पे रखा करना, ऐसे रोड पे लाएगा तो ठुकेगी ही ना। ओए बॉट कही कि 80 लाख की गाड़ी है, 80 लाख की, तेरा घर जाएगा इसमें। देखा बेचारे गरीबों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। चलो भीपू के लिए डायपर रह गया है, और हाँ सुअरों के लिए शैम्पू की बोतल। अरे ये एनिवेल डॉल तो काम ही नहीं कर रहा है। अरे ये नोबिता यहाँ पर क्या कर रहा है? ओए सुन नोबिता क्या हो गया? अरे आदम चाचा मैं यहाँ पर 2 लाख 1 लेने आया था, पर 2 लाख 1 तो मिला नहीं, तो नेक्स्ट टाइम इस डेट लगी। अबे नोबड़ू उसे 2 लाख 1 नहीं, यहाँ पर चॉकलेट वाला वड़ा पाव कहते हैं। एक काम कर मेरा ट्रैक्टर ले जा, वो सामने वाले नाके पे तुझे डीनो हलवाई के वहाँ मिल जाएंगे। अरे थैंक यू आदम चाचा, तो चलो बदले में मैं आपको 2 लेमोन का गैजेट देता हूँ, उसकी मदद से आप किसी के भी सपनों में जा सकते हो। क्या बात कर रहा है सच्ची में? पर एक चीज का ध्यान रखना आदम चाचा, सुधुका के सपने में
मत जाना वरना वन टैप मार दूंगा। अबे भूल गया क्या, तुझे और डोरेमोन को कस्टम में 07 से हराया था। पर ये काम कैसे करता है? अरे टाटा वो सिर्फ रात को काम करता है। चलो रात तो हो गई पर किसके सपने में जाऊँ। अरे टॉयलेट मैन चला जाए यहाँ से, अब तेरे वायरस का कोई शिकार नहीं होगा, आयरन मैन आ गया है। अबे सपने में पूरी रात बकबक करता रहता है, किसी को सोने भी नहीं देता। नुबड़े एडम बहुत तूने मेरे से कार साफ करवाई ना, अब तू कर। हाँ नुबड़े वैसे सपने में ही तू मेरे से कार साफ करवा सकता है। अब एक काम करता हूँ, हिप हॉप के सपने में जाता हूँ। अरे लगता है सच में आ गया। अबे नुबड़े अंधा है क्या, फुटपाथ पे क्यों चल रहा है, रोड पे चलना। अच्छा इसके सपनों में सब फुटपाथ की जगह रोड पे चलते हैं। हाँ नुबड़े मुझे लगता है तू इस शहर में नया है। अरे इसका सपना भी गजब है, जिसे देखो वो टॉयलेट टांग के ही घूम रहा है, और ये नुबड़ा तो टॉयलेट लेके रोड के बीच में ही बैठ गया है। अबे टॉयलेट ले लो टॉयलेट ले लो टॉयलेट, एक बार फेंकोगे तो कभी नहीं उठाओगे गारंटी। ये देख मेरा इम्पोर्टेड टॉयलेट विदेश से मंगवाया है। वाह यार मुझे एक बार पहनने देना। अबे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हमारे आका को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ आका खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे तू, मैं तेरा स्टेटस व्हाट्सएप पे डालेगा, वायरल हो जाएगा। अरे आका का मतलब वो है क्या, एके सुरेश प्रेस वाला? और आका का मतलब है मास्टर मास्टर। और यहाँ पे हमारे आका का नाम नहीं लिया जाता वरना बवासीर हो जाता है। अरे सब लोग सतर्क हो जाओ, आका का सिपाही इसी तरफ आ रहा है। अरे यार सुबह से किसी को पीटने की सुल मस रही है। अबे तुझे कितनी बार बोला है मुंह पे टॉयलेट पेन, क्योंकि मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है। ठीक है बॉस आगे से ध्यान रखेंगे, चलो अब कोई दूसरे की बारी लेता हूँ। अरे आदम सासा हमारे यहाँ टॉयलेट पहनना कंपलसरी है, अगर वो दानव आपको देख लेगा तो नहीं छोड़ेगा। नुबड़ो मालूम है ना खेतों में ही हड़का होना है, अगर कोई टॉयलेट में मिल गए तो वन टैप मार देंगे। नहीं सरकार हम रोज खेतों में ही जाते हैं। ठीक है बढ़िया, और ये नुबड़ा आदम हमारे शहर में क्या कर रहा है? अरे सरकार अब ये प्रो बन गया से। ठीक है इसे यहाँ के कानून बता ना वरना आकाश छोड़ेंगे नहीं इसको। अरे ये सब तो ठीक है पर ये आका है कौन, मुझे उसे मिलवाएगा? अरे हम आम आदमी अपने आका से ना मिल सके है, वो अपने महल में ही रहते से। पर मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ अपने रिस्क पे, और अगर पकड़े गए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे वो नुबड़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, तू टेंशन मत ले। आका ये नुबड़ा हमारे राज्य में बिना टॉयलेट के घूम रहा था, पकड़ लिया ससुरे को। अबे ये टॉयलेट फेंकना मेरे को बहुत चीप और खर लगता है, बहुत गंदा, मैं नहीं फेंकेगा साला। और तेरी हिम्मत कैसे हुई आका से ऐसे बात करने की? आका अब इस ससुरे की जबान चली तो हम इसे वन टैप मार दूंगा। और सेनापति गुस्सा मत करो, अभी इस नादान नुबड़े को बताता है हम कौन है। अबे तू क्या धब्बावा सिर किंग टॉयलेट मैन है जो मैं तुझसे डरूंगा? बाबू मोसा ऐसा ही पकड़े है हम ही तो है द टॉयलेट मैन, वो भी तुझे टॉयलेट ना पहनने की सजा मिलेगी। अबे क्या कुछ भी फेंक रहा है बॉट? बाबू मोसा ये दुष्ट बालक हमें बॉट बोल रहा है अब पी ले। अबे ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाबा सिर किंग माफ कर दो, गलती हो गई बिग फैन। अबे कच्चा धारी आदम भाग जा यहाँ से, वो वन शॉट मार देगा। बाबू मोसा तुम्हारा टॉयलेट किधर है? अरे कौन बोला बे? अरे नीचे नहीं ऊपर देखो ऊपर, हाँ यहाँ पे। और नुबड़े तूने हमारे राज्य में टॉयलेट ना पहनने की गुस्ताखी की, अब सजा के लिए तैयार हो जा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि पार्ट 1 कैसा लगा।